हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दिल अलर्ट टॉपिक। बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट 2+2=4 दिन का गोला मार के एक बार फिर मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने। और कसम से इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। मौसम ऐसा था, पॉल्यूशन ऐसा था कि मैं बीमार पड़ गया। तो या तो आप लोग दुनिया को ऐसी बना दो कि वो इंसानों के जीने लायक रहे, या फिर मेरी छुट्टियों पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए आप लोग। तो शो भी शुरू कर लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अच्छा सुनाते हैं। नाक में तो कुछ अच्छा जा नहीं रहा, कम से कम कान में ही कुछ मधुर सुनाई पड़े। ट्विटर पर प्रेम सिंह नाम के एक यूजर ने ये वीडियो डाला और इसे टैलेंट ऑफ डेजर्ट का। अब बस सुनिए पहले। शो में आगे बढ़ते हुए करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। वीरदास की कविता पर आज भी मचता रहा बवाल। कंगना रनौत के पास शायद अब जाकर पहुंचा भगत सिंह और महात्मा गांधी वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड। न्यूज डिबेट पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही कि सोशल मीडिया को मजा आ गया। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हिंदी में सुपर हीरोज की बात करने वाले चैनल की, लेकिन उस सबसे पहले इधर उधर की कुछ और बातें। वायरल है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पॉड होटल की तस्वीरें। भारतीय रेलवे में पहली बार टाइप का मामला है। ऐसा समझिए कि बढ़िया सलीके की सोने की जगह मिलती है, कायदे की जगह सस्ते दामों में। होटल में लंबा बिल नहीं फड़वाना चाहते हैं, बिल का है मैंने बिल, और बढ़िया सलीके की साफ सुथरी जगह पर सोना चाहते हैं। तो सेफ्टी के साथ ये मुंबई में व्यवस्था हो गई है, अन्य जगहों पर भी होगी, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। फोटो देखिए, और एक टिकट पर 1.5 दर्जन ट्रॉली ले जाने वालों प्लीज इस पर रहम कर देना। डॉक्टर मनोज मित्तल MBBS MD, ये नाम आपने बीते 24 घंटे में नहीं पढ़ा है या इनसे जुड़ा कोई वीडियो नहीं देखा है तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझिए। इनका एक वीडियो वायरल है जिसमें ये जमीन से सीधे उठाकर गाय का गोबर खाते नजर आ रहे हैं। अन्य वायरल वीडियोज में भाई साहब गाय में सोना होता है टाइप बातें कह रहे हैं, लोग वीडियोज देख के सिर धुन रहे हैं। मैं आयुर्वेद के उन जानकारों की सोचता हूँ जो बेचारे एड़ी रगड़ रगड़ के बताते हैं कि ऐसे गोबर यूज नहीं करना होता, गौमूत्र को ऐसे पी नहीं लेना चाहिए, सबका तरीका होता है, लेकिन कौन किसको क्या ही समझाए। मनोज वाजपेयी की ये फोटो खूब चल रही है। एक यूजर ने ट्विटर पे फोटो अपलोड करते हुए लिखा कि दूरदर्शन द्वारा पहली तस्वीर। मनोज वाजपेयी ने लिखा उसको रिट्वीट करते हुए कि फोटो वाज डन बाय अजंता स्टूडियो, लाल बाजार, बेतिया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण, बिहार। गौर करें, ऊँचों ने बस अभी जन्म ही लिया है। अल्लू नाम के यूजर ने इस तस्वीर को एकदम सुधार सुधार के अपलोड कर दिया। गजब फोटो बनी है, देखिए और कहिए कि क्या गजब जगह होती है सोशल मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। हैशटैग वीरदास, हैशटैग टू इंडियंस, वन इंडिया, FIR से ये सब ट्रेंड होता मिला। वैसे तो ये विशुद्ध सोशल लिस्ट वाला कंटेंट है, लेकिन इस देश की खुशनसीबी है कि अब वीरदास की खबर दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई है, उस पर टीवी डिबेटें हो रही। वैसे टीवी डिबेट से याद आया, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो टीवी डिबेट से हो रहा है। इनको कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ का कुछ समझ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें चला देते हैं, सबका अपना एजेंडा है। मुझे मजा तो तब आए जब कोई टीवी का प्रोड्यूसर इस बात को भी ना समझे और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब निकाल के इस बात पर टीवी डिबेट करा दे। सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना मस्त पैराडॉक्स बनेगा कि एकाध अवमानना के केस तो चल ही पड़ेंगे। वैसे जैसे टीवी वालों का हाल है, वो अगले कुछ हफ्तों तक ये कह के भी ग्राफिक्स वगैरह चला सकते हैं कि प्राइम टाइम में प्रदूषण फैलाने में नंबर वन है फलाना चैनल। फिर मुझे याद आया कि प्राइम टाइम में डिबेट थोड़े होती है, उतनी देर पॉल्यूशन नहीं, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी डिबेट से हो रहा सबसे ज़्यादा प्रदूषण, बात को समझे बिना बस एजेंडा चला रहे। सच ही है, इससे ज़्यादा प्रदूषण क्या ही होगा। लोग वायु प्रदूषण से पहले नफरत से मरेंगे। विषयांतर इतना हो गया कि हम बात कहाँ वीरदास की कर रहे थे, टीवी पे पहुंच गए। तो खैर, मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, जहां पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देश वालों को लेने के लिए शुद्ध हवा तक नहीं मिल रही है, सांस तक नहीं मिल रही है, वहाँ एक कॉमेडियन की बातें सबसे बड़ी खबर है।
लोल। तो हुआ कुछ यूं कि वीरदास ने सटायर जैसा एक मोनोलॉग सुनाया जो उनकी फिल्मों की कहानी और ट्विटर के कई जोक्स के मुकाबले कैसा था इसकी व्याख्या विशेषज्ञ कर सकते हैं। उसमें दो तरह के भारत की बात की और उस पर बवाल हो गया। इस खबर का एक्सटेंशन आप टीवी अखबारों में पढ़ और देख चुके हैं, तो एक्सटेंशन की और आवश्यकता है नहीं क्या, उसके बारे में और बात करें। लोगों ने वीरदास के पुराने नाना प्रकार के ट्वीट निकाल के उनसे हिसाब मांगा कि तुम पहले क्या कर रहे थे। इस नीरस विषय में भी मीम आए। प्रज्ञा ठाकुर की व्हीलचेयर और बॉल खेलती तस्वीरें डाल के वन इंडिया अदर इंडिया कहा गया। बढ़ चलते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर छाया रहा एक और नाम, कंगना रनौत का। कंगना ने महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा बताया और कहा कि वो चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। चूंकि इस पूरी बात का कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए इस पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए हम दो और नामों की ओर चलेंगे। इनको इनके हाल पे छोड़ देंगे। तो दो अन्य नाम है टोबी और एंड्रयू के। स्पाइडरमैन नो वे होम का नया ट्रेलर आया, बहुत इंतजार के बाद आया लेकिन आया। और मतलब समझ लीजिए, इन लोगों को खेल जरा जरा सी चीजें दिखाने के लिए इतना तरसा रहे हैं कि ये समझ में आ रहा है अभी तक जो कुछ भी देखा हमने कि मल्टीवर्स वाला मामला है। अन्य दुनियाओं से भी विलेन आ रहे हैं, माने टोबी मैग्वायर और एंड्रयू गारफील्ड जब स्पाइडरमैन बनते थे तो वो स्पाइडर वर्स के विलेन एमसीयू वाले स्पाइडरमैन की कहानी में शामिल हुए जा रहे हैं। काफ़ी ऐसे एकदम खिचड़ी टाइप मामला है। मैं ये सब क्यों ही बता रहा हूँ, आपको सब पता ही होगा। तो नए ट्रेलर में टोबी और एंड्रयू नहीं दिखे। लोगों का कहना था कि वो दिखेंगे, ऐसी तमाम बातें चल रही हैं। फैंस तो एकदम उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के बैठे हैं। तो लोगों ने उनको टोबी और एंड्रयू को रोते हुए दिखाया। फैन तो फैन है, अपनी थ्योरीज में उनने ये कहा कि ट्रेलर में पुराने स्पाइडरमैनों को खोज लिया और बोले मार्वल वाले उनको ट्रेलर में कुछ ऐसे छुपा रहे हैं। एक सीन के बड़े चर्चे हैं जिसमें सैंडमैन, लिजर्ड और इलेक्ट्रो लड़ने चले आ रहे हैं, उनके सामने कोई नजर नहीं आता एक स्पाइडरमैन को छोड़ के। तो कहा गया कि इस सीन में भी टोबी और एंड्रयू होंगे। कुछ ने पेड़ के पीछे छुपे एक बंदे को दिखाया, पेड़ क्या ही था। कहा कि एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैग्वायर की ये अपीयरेंस है, उसकी बात वगैरह की। वायरल होने के क्रम में एक वीडियो और चल रहा है जिसमें नजर क्या आता है, मतलब हम वीडियो तो आपको क्या ही दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, नजर क्या आता है कि कुछ महिलाओं को एयरपोर्ट पर हाथ वाले लगेज के साथ वोट का नहीं ले जाने दी, तो उन्होंने सिक्योरिटी चेक वाली जगह पर लोगों को शराब पिलानी शुरू कर दी। वो 100 ml लिक्विड वाला रूल आपको पता ही होगा, शायद इनको आइडिया ना रहा हो, लेकिन शराब के असर की बात को हटा दिया जाए तो ये है मजेदार। मतलब ये होता है कि आप 100 ml से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, तो इनने कहा कि पेट में भर के तो ले जा सकते हैं, लोगों में ऐसे बांट दिए। वायरल के ही क्रम में राजकुमार राव की शादी के बाद से उनकी तस्वीरें चल रही हैं, साथ में अन्य सेलिब्रिटीज की तस्वीरें भी चल रही हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि वो हंस रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि इनकी शादी में फेरे के मंत्र क्या कपिल शर्मा पढ़ता है। या लोग ऐसा भी पूछ रहे हैं कि शादी में पंडित जी क्या जोक सुनाते हैं। जवाब है कि जिनकी शादी उनकी मर्जी से हो जाती है वो शादी में ऐसे ही हंसते हैं, लुल। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज जो चैनल हम बताने वाले हैं, जिसकी बात करने वाले हैं, उसका नाम है देसी नर्ड। पता नहीं मैंने पहले ये सजेस्ट किया था या नहीं, लेकिन बढ़िया चैनल है, कायदे से हिंदी में आसान भाषा में एकदम फिल्मों की, सुपर हीरोज की, ट्रेलर की, ईस्टर एग्स की, फिल्मों में छुपे मतलबों की, क्रेडिट सीन्स की, वो जो एंड में आते हैं उनकी, और मतलब कुल मिला के पूरा ही सुपर हीरोज की बात करते हैं और एकदम समझाते हैं, एकदम मतलब सुपर हीरोज का बड़ा मन लगता है इस चैनल पे। सुपर हीरोज के फैंस का बड़ा ही मन लगता है इस चैनल में और हिंदी में बात करते हैं, तो एकदम सोने में सुहागा टाइप मामला है। तो आप ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल जस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तबीयत कल ख़राब नहीं कराऊंगा, कल आऊँगा, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हम चले, टाटा।